नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। सीरिया में आईएस के शक में अमेरिका ने आम लोगों पर बरसाए बम। 35 बच्चों समेत 73 से ज्यादा लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। कोएलिशन फाइटर जेट्स के जरिए गिराए थे क्लस्टर बम। पाकिस्तान सरकार के काला दिवस को मिली ठंडी प्रतिक्रिया, काफी कम संख्या में पहुंचे लोग। पाक के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर पर फिर उठाई जनमत संग्रह की मांग। तख्तापलट की नाकाम कोशिशों के बाद तुर्की में 3 महीने के लिए लगा आपातकाल। राष्ट्रपति एर्दोगन ने राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। आम लोग पहले की तरह कर सकेंगे अपने अधिकारों का इस्तेमाल। टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज ने की डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ, कहा ओबामा हर चीज को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं ट्रंप। दुबई के सुलाफा इमारत में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आई इमारत की 30 मंजिल। दुनिया की सबसे ऊंची रिहायशी इमारतों में शामिल है सुलाफा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गोपनीय कार्यप्रणाली और कामकाज के तरीकों की भारत ने की आलोचना, कहा अपनी दुनिया को बेपर्दा करे सुरक्षा परिषद। इन्हीं खामियों का फायदा उठाते हुए चीन ने आतंकी मसूद अजहर पर भारत के प्रस्ताव को किया था वीटो। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।